अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपसे अगर किसी क्यूब मोबाइल की चार्जिंग ख़राब हो जाती है, जो टच मोबाइल हैं उनमें, मेरे पास ये अभी कुछ दिनों से मसला आ रहा है कि ये अगर बंद करके चार्जिंग लगाएं तो ठीक चार्जिंग करते हैं, और अगर चार्जिंग ऑन करके लगाएं तो ये खुद बहुत बंद हो जाते हैं। ये मेरे पास अभी एक मोबाइल है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने चार्जिंग लगाया है तो ये अभी तो चार्ज कर रहा है, लेकिन ये कुछ कभी कभी चार्जिंग लगाते हैं तो फ़ोन बंद हो जाता है, खुद ही बंद हो जाता है। तो ये जो मोबाइल हैं इनमें एक IC लगी होती है, वो आजकल काफ़ी सारे मोबाइलों में आ रही है। दोस्तों, अभी तो ये आपके सामने शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने इसको खुद चेक किया है कि ये जब इसको चार्ज पे लगाते हैं तो ये फ़ोन बंद हो जाता है। तो अभी ये शो नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला आ रहा है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। बेसिक मैंने ये वीडियो बनाई ट्रिक्स के लिए कि आप किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो क्यूब मोबाइल है, ये है X700 Pro 2। तो आज मैं यही आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इसको ठीक करना है। तो दोस्तों, मोबाइल को हम ओपन कर लेते हैं, तो इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक बआसानी पहुँच सकेगी। तो कुछ दोस्तों, कुछ जो मोबाइल होते हैं उनके अंदर जो IC लगी होती है वो थोड़ी सी हिडन होती है, यानी कि छुपा के लगाई गई होती है, और कुछ मोबाइल में सामने होती है। तो ये मोबाइल मैंने ओपन किया है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसकी IC लगी हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये वाली, ये जो IC लगी हुई है, ये आप इसको रिमूव कर दें। इसके 3 पॉइंट होते हैं, एक इसका नेगेटिव होता है और 2 प्लस होते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको रिमूव करता हूं अभी, तो इसके बाद इसकी जो चार्जिंग है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं इसको खोल, यानी मुकम्मल इसका सारा जो सिस्टम है वो नहीं निकालता, मैं फ़िलहाल इसका ये टच इसको अलहदा कर लेता हूँ, और इसके नीचे यहाँ पे ये कवर रख लेता हूँ फास्ती, ताकि हमारा जो प्लास्टिक है वो ख़राब ना हो। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, इसको हमने अलहदा कर दिया है और इसको हम साइड पे रख लेते हैं, और इसका ये जो कैमरा है और टच है वो वैसे ही लगा लेते हैं। तो ये इसके टच की फ्लेक्स मैंने लगा दी है, और ये इसका बैक कैमरा है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो मोबाइल है वो X700 Pro 2 ही हो, आपके पास कोई दूसरा फ़ोन भी हो सकता है। तो ये मैंने जो चाइनीज़ मोबाइल हैं उनका आपको तरीकाकार बताया। ये IC 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं और 4 भी होते हैं। तो आपने एक एक करके सारे अलहदा अलहदा, यानी कि उतार देने जो आपको लगे कि ये ख़राब है, तो उसके बाद आपका इंशाल्लाह जो मसला होगा वो ठीक हो जाएगा। ये फ़ोन सिर्फ ऑन, जो चार्जिंग जब ऑन पे लगाएं तब बंद होते हैं, जब ऑफ़ हो तब ये बंद, तब तो वैसे ही बंद होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।